जब मैं आ रहा हूं तो मैं पूरी तरह अर्जुन कपूर आएगा आपके पास जो जो असली है देखिए मैं तब डिंडोरा पीटर में जब कुछ अच्छा किया जब बुराई हो रही थी तो मैं सुन रहा था प्रॉब्लम क्या ना आप समझते ही नहीं हो ऑपोजिट सेक्स पाइम एवरी टाइम आई नीड टू रिफ्रेश माई बी हर्ड अंडरस्टूड रिस्पेक्टेड रिगार्डेड और जब इज्जत नहीं होगी तो रिश्ता नहीं बनता इक्वल्स Yeah. तो <laughs> हमेशा खुला रहा हूँ पीछे नहीं हटा मैं जितनी सहमति देना चाहता हूँ तो, लेकिन और लोगों को सहमति देनी पड़ेगी मैं तो अर्जुन हूँ जिसके बारे में आप बात करें काश मैंने तभी अपनी मार्केटिंग थोड़ी ज्यादा कर ली होती डेंजर लंका लंका नाम ही किसने सोचा डेंजर लंका

मैं आपको मुबारक बात देती हूँ थैंक यू थैंक यू आप thank you, सोने की तरह चमक रहे हैं मेरे सामने इस वक्त। शुक्रिया। जीते हुए जो अपने अंदर इनकल की हैं जो कहते है ना अपने आप एक किसी ने कहा था कि लाइफ क्या है जिंदगी क्या है एक युद्ध खुद के विरुद्ध बिल्कुल वो तो मैं

पंच मारना बहुत आसान होता है लेकिन पंच लेके खड़े रहना ना असली जिंदगी वो होती है कि आपको मुक्के मिलते रहेंगे या। उसके बावजूद खड़े होकर फिर से फिर से जाना फिर से जाना फिर, फिर से वंस मोर वंस मोर वंस मोर अगेन 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 तो परसिवरेंस है या। हर बार जब कुछ हो जाए ले लो चोट फील करो लेकिन फिर उठ के आगे बढ़ो um, वो डेफिनेटली एक वैल्यू है जो सालों से थी और एक हर बार रीइंस्टेट हुई है मुझमें ऑथेंटिसिटी को हिंदी में क्या कहेंगे अपने आपको कभी बदलते न, बदलने नहीं हाँ, और आप भी बदलना चाहते हो ताकि आप ब्लेंड हो सको ताकि आप दुनिया के दस्तूरों के हिसाब से जो चल रहा है वहां पर अटल रहना अपने आप को जानना पहचानना और वही इंसान रहना अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो ना इंसान तो वही होता है सही बात है वो मैं कहूंगा कैरेक्टर ट्रेट है जो मैं समझाऊं कि जरूरी है क्योंकि आप सात साल पहले मुझे मिली थी और आज मिलेगी मैं चाहूंगा कि उसके बीच में भी जब मिली हूँ और आज भी जब मिल रही हूँ मैं इंसान सेम आपको इमोशन और फीलिंग सेम दू सही बात है और तीसरी चीज अपने आप अपना सच या अपने सच का सामना करना दिलू है ना जो आजकल का टर्मिनोलॉजी की परसेप्शन इज द न्यू रियालिटी की ना लोगों को बता दो कि आप कितने कूल हो कितने रेलिवेंट हो हाँ, और इंस्टाग्राम की जिंदगी है और आपके इर्द गिर्द हवा बनाना जरूरी है लेकिन सुबह उठते हो तो आईना देखना पड़ता है रात को सोने के पहले आईना देखना पड़ता है तो अपना आईना जो सच्चाई का आईना है ना वो आपको अपना अपनी सच्चाई पता होना बहुत जरूरी है ये झूठ को मान के मत चल लिया करो कि वो एक्चुअली तुम्हारी सच्चाई है बिकॉज एक दिन वो तुम झूठ जीने लगोगे तो हाँ मैं कहूंगा इन पिछले कई सालों में ये चीजें मुझे दे हेल्प मी अलॉन्ग द वे टू स्टे ऑथेंटिक टू नो योर ट्रूथ एंड टू कीप फाइटिंग या आपको देख के मुझे एक वाइब ऐसी आती है दैट यू हैव बिकम वेरी कंफर्टेबल विद योर विद द सॉलिट्यूड कभी-कभी हम नहीं ऐसा नहीं है मैं बाय नेचर लोनर हूं आई डोंट इट्स नॉट दैट आई एम आई एम बाय नेचर आई डोंट ऑपरेट मैं झुंड में ऑपरेट नहीं करता मैं मेरे दोस्त भी कुछ है

एक पेरेंट गुजर जाता है जिसके साथ आप रहते थे तो वैसे ही आपको आदत लगानी पड़ती थोड़ी सी सॉलिट्यूड की तो मैं ये नहीं कहूंगा मुझे पसंद है मैं कैपेबल हूँ आप मुझे मेरे साथ अकेला छोड़ दोगे तो मैं, मैं अपने आप से लड़ता नहीं हूँ मैं बहुत शांत हूँ पर मुझे लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा भी लगता है ऐसा नहीं नहीं वो एक एक फेज होता है जब इंसान अपने आईने से भी घबराता है अपने हाँ। आसपास के एक एम्प्टीनेस से घबराता है वो भीड़ ढूंढता है अननेसेसरी ढूंढता है हाँ। और एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि यू यू बी 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 देयर देयर, और डोंट आई फाइन। शायद शायद अब इस है इस, इस उम्र में, इस इस में तो मतलब, आपको भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है उस हिसाब से But I am very, I would be, I would say आई एम वेरी लकी मेरे आसपास जो लोग हैं वो मेरे बारे में ये जानते हैं कि मैं उनका भी हूँ और मुझे अपने आप में भी रहना पसंद है यू you नो know? तो वो बहुत अच्छी बात है मैंने वैसे लोगों के साथ रिश्ते बनाए हैं जो मुझे समझ पाए हैं इसीलिए मैं रिश्ते बरकरार भी रख पाए हूँ राइट wow, वाह wow. I wish the cameras were not there. मैं आपसे और भी कई सारी बातें <laughs> कर पाती। इसीलिए कैमरास हैं ताकि <laughs> हम ताकि हम कुछ बातें ना You know the thing is that social media हम कितना भी चाहें लेकिन बहुत हमारा सोशल मीडिया हम अप, हमारी अपनी पर्सनल को ब, बयां कर देता है कुछ नो योर स्टोरी आप उस तरह के इंसान हो जो देखना चाहते हो लोगों का क्या yeah, हाँ, अगर yeah, आप वो हो कि आप खामिया ढूंढना चाहते हो तो, तो अलग ही जगह है यहाँ yeah, वो एक खास वो मनुष्य जाती है सिर्फ खामिया ढूंढती है आजकल दिखावा ज्यादा बिकता है और नेगेटिविटी ज्यादा बिकती yeah. है तो वो सोशल मीडिया का भी अपना एक अगर आप तराजू में तोले तो आजकल नेगेटिविटी का बोल बाला है हाँ. और अच्छाई तो छुपा दी जाती है yeah. Uh, yeah. तो अच्छी है, अच्छी बात है कि यू यू आर ट्राइंग ट्राइंग टू टू सी द पॉजिटिव्स एंड इट I hope you retain that. Yeah, yeah, always, always, always. And I. that's why I think you're a hero. You're, you've become a real life hero, I must tell you that. Yeah. <laughs> Thank you. So, you know. i have not a coach, actually. Anyway. I mean, if I'm, was, if, में I'm, में I'm, if I'm I'm, I'm able, able to inspire yeah, people to keep yeah, fighting, I'm able to if I'm able to inspire people to keep fighting, if I'm उतार चढ़ाव को देखकर yeah. या जंग को देखकर अगर कोई इंस्पायर हो सकता है कोई मोटिवेट हो सकता है कोई समझ सकता है कि यार yeah. हार नहीं मान सकते yeah. हार नहीं मानना yeah. चाहिए तो आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अ हीरो इन दैट पर्सन लाइफ इन दैट मोमेंट नियत मेरी बहुत साफ थी कि मुझे अपने आप को खड़ा करना है yeah. अगर उस सफर में मैं किसी को इंस्पायर कर पाया हूँ या किसी को एक, एक स्पार्क दे पाया हूँ तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर

सोच के नहीं किया था कि ये जिंदगी में यहाँ पे पूरा श्रेय जाता है रोहित शेट्टी साहब को जिन्होंने मुझे मैं बच्चे जैसा फील करता हूँ मुझे बहुत खुशी होती hmm. um, और अनहिंस कैरेक्टर मिला था कहीं ना कहीं एक ईशक जादे की जो शुरुआत थी जो छवि थी इशक की जो स्माइल की जो एक बचपना था जो ग्रे एरिया था वो फिल्मों का गुंडे औरंगजेब मुझे लगा यहाँ पे मुझे जोरदार चबाने लायक -like किरदार मिल रहा है जहाँ yeah. पे मैं घुस सकता हूँ mm -hmm. और एक्सटर्नल परफॉर्मेंसेस भी मुझे बहुत पसंद है वो फीलिंग वो परसोना मिले um, तो वो बहुत मजेदार था वे कमिंग एंड प्लेइंग इट्स लाइक इट्स लाइक डांसिंग इट्स लाइक प्लेइंग विदा द डायरेक्टर अलाउिंग यू हाँ वो छूट दी उन्होंने और वो बहुत ही ज्यादा थेरेप्यूटिक था मेरे लिए मैं डिनाई नहीं करूंगा मुझे लगता है हार्ड वर्क आप बहुत बार करते हो और आपकी डेस्टिनी होती है कई बार आपको लगता है और मैंने तो बहुत मेहनत की थी ये पिक्चर चली नहीं राइट या लोग देखे नहीं और कभी कभी वो फिर आगे जाके उस वो मेहनत जुड़ती चली जाती है, है। तो मुझे देखेगा आप मै अगेन देखेगा और घर जाके संदीप और पिंकी फरार देखेगा व्हाट आर क्लाइमैक्स एंड व्हाट आर व्हाट आर थिंग टू डू फॉर एन एक्टर उसका श्रेय अब मिल रहा है उसका श्रेय अब मिल रहा है तो वो ठीक है उससे ये साबित हुआ था दैट यू आर अ वेरी गुड एक्टर थैंक यू एंड दैट यू आर अ मैलेबल एक्टर एंड देन यू कैन बी मोल्डेड इनटू समथिंग काश मैंने तभी अपनी मार्केटिंग थोड़ी ज्यादा कर ली होती पर uh, yeah, I feel पर like मैं that. वैसा हूं नहीं तो नहीं कर पाया उस समय uh, बट uh, हाँ आज मुझे मौका मिलता है मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ यार संदीप और पिंकी फरार

हॉलीवुड में कहा इन सो पर आर्ग्यूमेंट जिंदगी भर चलती रहेगी कि, कि कभी कभी एक्सटर्नल काम किया करो yeah, yeah. जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं और आप एंजॉय करते हो उनको एंटरटेन करना hmm. और कभी कभी आप स्टूडेंट की तरह घुसना चाहते हो yeah. वो भी इंजॉय कर सकते हैं yeah. वन 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 फॉर 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 देम देम अस आई थिंक वो बैलेंस 50 हो, 50 50 हो हो 60 40 हो, जो हो yeah. करते रहे चाहिए दोनों टाइप के yeah. तो संदीप और बिंक फरार के साथ सिंगम अगेन yeah. कर पाए एक एक्टर जैसे जब मैं फरार कर रहा था मैं हमेशा कहता था मैं अनीस बजमी और दिबाकर बैनर्जी के साथ एक साल में काम करने वाला और ये दोनों स्कूल्स मुझे बहुत पसंद आप भी मैनिफेस्टेशन के गुलाम हैं? नहीं मैं तब कर रहा था अच्छा अच्छा ओके या या, मैं तब कर रहा था मुबारक का भी कर रहा था और संदीप और फरार कर रहा था तो मैं हमेशा कहता था

मेरी जिंदगी में में उनका 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 बहुत बहुत बड़ा हाथ रहा है है और और मैसेज जब जब आया उनसे उनसे जब मुझे 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 पॉजिटिव फीडबैक फीडबैक मिला एंड ही इज अ वेरी स्ट्रेट शूटिंग तो hmm. उनका मेरे लिए रखता hmm. uh, उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री आने का मौका दिया hmm. और मुझे हमेशा गाइड uh, like like लेकिन yeah. मैं मैं जानना चाहता हूं उनसे तो उनका जब मैसेज आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कहीं ना कहीं वो एक टिक मार्क है मेरे लिए कि मैं hmm. सही डायरेक्शन में जा रहा हूं मेरे बाकी दोस्त हैं जो वरुण है आलिया hmm. रणबीर उन्होंने hmm. सबने मेरे इंट्रोडक्शन और काम की तारीफ की तो वो भी अच्छा लगता है you, you yeah. yeah. They've, they've um, मेरी मासी ने उस दिन फिल्म देखी उनका जन्मदिन था तारीख को और वो पांच की रात मल्टीप्लेक्स नहीं मिल रही थी एक रो रही थी तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मॉम का आशीर्वाद उनके थ्रू मिल रहा है और उनका बर्थडे भी गिव मी तो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे कई सारे कॉम्प्लीमेंट जैसे अब मैं कहूंगा मैं मैं कभी किसी होटल में रहूंगा वहां पे कोई जीएम रहे होंगे किसी दुकान में मैंने शॉपिंग की होगी यू नो कभी मैनेजर का नंबर होता है जो मेरा फोन रिपेयर करता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग होते हैं ये व्यापार हम yeah. बिजनेस में यू नो इवन यो वर्किंग अराउंड कुछ ना कुछ आप लोगों के पास आपके नंबर होते हैं हमारे कार के डीलर yeah. जब वैसे लोगों के आपको मैसेज आते हैं ना आपको पता है की आपकी फिल्म लोगों को छू रही है और बहुत ज्यादा हद तक ये अब ऑडियंस की बन चुकी है सो दो स्मॉल स्मॉल मैसेजेस मीन अ लॉट टू मी जब ना हमारी पूरी फैमिली

जब एक फिल्म चलती है और एक किरदार पसंद आता है तो एक एनर्जी आपको महसूस एनर्जी, होती है हाँ। मैं उस एनर्जी का शुक्र गुजार हूँ मुझे एक एनर्जी लोगों से मिली है भले ही वो बोल पाए या लिखा है मुझ तक आपने भले ही कुछ लिखा और मैं पढ़ नहीं पाया लेकिन वो फीलिंग मुझे मिल गई और उसी वजह से आज मैं यहाँ बैठ के इतने आप कह रहे हो कि एक

masculinity on screen, haan. in a way machismo on haan, screen. Thi. yeah, but the way your life has spanned out, you've become a symbol of very healthy masculinity, i would say. Thank i can tell you how. that's a very big compliment. yeah, i mean, i know you as a brother, i know you as a, as a son, i know you as a person, i know you as an actor, i know you as a friend, and it feels to me that how would it be to have you as a brother? i, mean, I would be very happy if i had you as a. thank you. ब्रदर नहीं बोलना चाहिए ना नहीं बोल तो चलेगा <laughs> चलेगा बट एनी बडी लाइक इन माई सर्कल बहुत कम लोग जिस वक्त हमारा पर्सनल लाइफ डिसेक्ट हो रही होती है ना उस वक्त बहुत अनकंफर्टिंग फीलिंग होती है दैट एवरीथिंग इज आउट बट यू गिव आउट अ वाइब कहते हैं ना हीरो इंसान तब तब के ही बनता है जो विलेन होता है उसको सिर्फ एक ही ग्राफ होता है

एक एक बचपन से ही माई मासी माई नानी माई मोम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज भेदभाव तो मुझे समझ वैसे ही नहीं आता इन चीजों को लेकर गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैन शुड बी व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विदोजिट से चेंज सो आईजरस्टैंडिंग Um, आप समझोगे तो आप इज्जत दे पाओगे प्रॉब्लम क्या है ना आप समझते ही नहीं हो ऑपोजिट सेक्स को आधे टाइम एज अ मैन आप अपने में जूझते रहते हो right. आप सुनते ही नहीं हो yeah. तो सुनोगे नहीं तो समझोगे नहीं समझोगे नहीं तो इज्जत नहीं दे पाओगे yeah. बात ही नहीं कर पाओगे और जब इज्जत नहीं होगी तो रिश्ता नहीं बनता इक्वल्स okay. का वेन यू डोंट रिस्पेक्ट समी देवर इट केवर बी इक्वल यू नो सो आई आई थिंक इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स टू टॉक अबाउट बींगेस ऑफ

नहीं अब तो ठीक है बट शनाया भी है वैसे देख लो सोनम भी है रिया भी है तो मेरे लिए मतलब कपूर healthy... हाँ, अगर आप देखो तो एवरी टाइम आई नीड टू रिफ्रेश माई सेल्फ एंड अंडरस्टैंड हाउ रिगार्डेड आई थिंक अराउंड मी टू गाइड मी And if I'm a good man for women, I think a lot of the credit goes to the women in my life. Yeah. So, taking this cue forward, I will ask you, and you can choose to reply or not reply, or <laughs> reply in your sense. <laughs> if wow. you yeah, yeah. When two people are in a relationship, and when two people are an, are not in a relationship, it is still possible to be cordial, respectful. Of course, of course, of course. That, that, that right? I do not deny at all, and that's how it should always be. And to each their own. At the end of the day, hmm. Circ circumstances have to allow you to have, uh, like you said, cordial behavior or yeah. respectful behavior, hmm. or they can be distance. It's absolutely fine.

आई हैव नेवर एवर सैट डाउन टू टू इंटरव्यूज ट्राइंग बी कॉय एंड केज फिर मैं नहीं करता yeah. जब मैं आ रहा हूँ तो मैं पूरी तरह अर्जुन कपूर आएगा आपके पास जो जो असली है yeah. मैं मैंने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया इंटरव्यूज और मीडिया का परसेप्शन बनाने के लिए uh -huh. या अपनी बात बोलने के लिए uh -huh. मैं खुले किताब की तरह आता हूँ आप पूछ लीजिए पूछना uh -huh. हर चीज में मैं हमेशा खुला रहा हूँ मैं कभी पीछे नहीं हटा चीजें चली है नहीं चली है अच्छा है बुरा है

डिंडोरा जब देखिए मैं तब डिंडोरा पीट रहा हूँ जब कुछ अच्छा किया तो अब तो पीट सकता हूँ बिल्कुल जब बुराई हो रही थी तो 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 मैं सुन रहा था पीछे हाँ, तो अभी तो मेरा के मेरा हक है And and that's what I want to do. I want want to to do live in the the moment yeah yeah enjoy the love I'm getting yeah. yeah. तो हाँ, 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 हाँ. सिंगम अगेन के बाद भी जब होना होगा चीजें अपने आप चालू हो जाएंगी तब क्या था मैं बहुत आगे की सोच रहा था और पीछे की सोच रहा था आज मैं इस पल में जीना चाहव इट टू दुलेज ऑफ आई एम